नहीं नहीं पंडित जी, मुझे टीका वीका मत लगाइए आप। क्यों, क्या हो गया? अरे मंदिर आए हो, तिलक तो लगवाओ। नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है। नास्तिक हो क्या? नास्तिक नहीं हूँ, मंदिर आया हो, पूजा पाठ कर लिया, इतना बहुत है। और वैसे भी मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अगर मैं टीका लगा के ऑफिस जाता हूँ तो। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, पर आज तो फिर वही टीका लगा के आ गया, गवा रहे क्या? अरे दोस्तों का क्या है, दोस्त तो बोलते रहते हैं, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम मंदिर होके गए हो, तिलक लगवाओ। नहीं नहीं पंडित जी, वैसे ठीक हूँ। जैसे ही प्रभु की इच्छा, एक काम करो, प्रसाद ले लो। ये तरबूज कैसे दिए? 60 रुपए केले। चलो। वो पंडित जी को जब से मैंने तिलक लगाने से मना किया ना, पता नहीं क्यों मेरे साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। तुमने तिलक लगाना क्यों छोड़ दिया? वो दोस्तों की वजह से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पुराने जमाने के चूचने हैं। ऐसे किसी के कहने पे तुम अपनी आस्था छोड़ दोगे क्या? यही तो बताते हैं भगवान और हमारे धर्म के प्रति हमारा प्रेम। माथे पे तिलक लगाना हमारी पहचान है और ये बताता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। पर तिलक लगाने क्यों है यार? क्योंकि कहते हैं कि तिलक भगवान के चरण होते हैं और जिसके माथे पे भगवान के चरण होंगे उसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी तो हो, ऐसी थोड़ी कि किसी ने बोल दिया तिलक लगा लो तो हमने लगाना शुरू कर दिया। तुम तो जानते हो ना कि आज के जमाने में लोगों के अंदर शांति नहीं है, लोग भागदौड़ में लगे रहते हैं। तिलक लगाने से ना जो हमारा दिमाग होता है ना उसको शांति मिलती है, हम कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर पाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि तिलक लगाने से ना जो हमारे आसपास जो नेगेटिविटी होती है ना वो दूर चली जाती है। देखो हम किसी को धर्म का ज्ञान तो नहीं दे सकते और ना ही किसी के विचार बदल सकते, लेकिन किसी के कहने पे हम अपनी आस्था में अविश्वास क्यों लाएं? क्या पता यही वो माध्यम हो जो हमें अपने भगवान से जुड़े रखता हो। राम राम जी। राम राम पंडित जी। अरे आप तो तिलक नहीं लगवाएंगे? अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप तिलक लगाइए मुझे। अरे ऐसा कैसे हो गया? पंडित जी मुझे समझ में आ गया तिलक का महत्व। राम पंडित जी, चंदन लगाने से लक्ष्मी का वास रहता है और भक्ति का भी वास रहता है और अकाल मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती।